सब्सक्राइब करें बेक विद रजिया चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें लेटेस्ट रेसिपी के लिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रजिया। आज मैं आप लोगों को बटर स्कॉच सॉस बनाने की रेसिपी दे रही हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान होता है। बटर स्कॉच सॉस को हम बहुत सारी चीजों पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आइसक्रीम बनाने में, आइसक्रीम को गार्निशिंग के लिए, केक बनाने में इस्तेमाल करते हैं, केक को गार्निशिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिस पे हम खास तौर पे बटर स्कॉच सॉस का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। तो चलिए देखें बटर स्कॉच सॉस बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है। इसके लिए मैं यहाँ पे 100 ग्राम शुगर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो, मैं यहाँ पे सिंपल रेगुलर शुगर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं। और साथ ही मैं यहाँ पे 30 ग्राम सॉल्टेड बटर ले रही हूँ। अगर आप अनसॉल्टेड बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक इस्तेमाल करें। साथ ही मैं यहाँ पे 100 ml अमूल फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, और साथ ही 50 ml सिंपल दूध, यानी कि जो घर की नॉर्मल दूध होती है वो मैं 50 ml ले रही हूँ। सो मैंने दोनों को एक ही कटोरी पे रखा है, क्रीम और दूध को। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। अब आप एक पैन को गैस में चढ़ा लें और साथ ही हम इसमें डालेंगे शुगर, यानी कि चीनी। शुगर डालने के बाद इसे हम बीच बीच में चलाते हुए शुगर को कम्प्लीटली कैरमलाइज कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं, अब हमारी शुगर मेल्ट होनी शुरू हो चुकी है। अब हम इसे इसी तरह से यूं चलाते हुए शुगर को हम कैरमलाइज करेंगे। अब आप देख सकते हैं, अब हमारी शुगर अच्छी तरह से कैरमलाइज हो चुकी है। अब मैं इस पे डालूंगी बटर। बटर डालने के बाद थोड़ा सा केयरफुल रहें, क्योंकि बटर डालने के बाद हमारे फेस पे हल्का सा छींटा पड़ सकता है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा मलाई और दूध ऐड करूंगी। एक साथ में आप सारा ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। फिर मैं इसमें थोड़ा सा दूध और क्रीम डालूंगी। फिर मैं इसे इसी तरह से यूं मिलाते हुए कुक करूंगी। दूध और क्रीम डालने के बाद मैंने इस सॉस को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक कुक किया है। अब आप देख सकते हैं हमारे सॉस का कंसिस्टेंसी कुछ यूं इस तरह का होना चाहिए, ये आप देखें। इस स्टेज पे अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और सॉस को हम कुछ देर कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमारा बटर स्कॉच सॉस ठंडा हो चुका है और साथ ही मैंने इसे एक सर्विंग कटोरी में निकाल लिया है। अब हमारा बटर स्कॉच सॉस सर्व करने के लिए तैयार है। ये आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितनी परफेक्ट है और ये बहुत ही मजेदार, बहुत ही टेस्टी बना है। अब आप इस सॉस को अपने पसंदीदा आइसक्रीम या फिर आप अपने पसंदीदा केक को डेकोरेट करने के लिए इस सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मजेदार, बहुत ही टेस्टी बना है। जरूर ट्राई करें। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस रेसिपी के रिलेटेड कोई भी डाउट हो प्लीज आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी और एक नई किचन टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।